दोस्तों क्या आपको पता है कि समुद्र के अंदर हजारों मीटर नीचे बारिश होती है। ओशियन की इस बारिश को मरीन स्नो कहा जाता है और ये समुद्र में हजारों मीटर की क्रशिंग डेप्थ पर मौजूद वैम्पायर स्क्विड, कोलोसल स्क्विड, बैरल आई फिश जैसे कई मिस्टीरियस क्रिएचर्स के लिए एक फूड सोर्स की तरह काम करती है, जिनमें से कुछ स्कूल बस जितने बड़े होते हैं तो कुछ की आंखें उनके सर के अंदर मौजूद होती है और कुछ के पास तो आंखें ही नहीं होती। साथ ही साथ कुछ के पास बिना सनलाइट के अंधेरे से भरे गहरे समुद्र में देखने के लिए खुद का एक लाइट सोर्स भी होता है जो हमेशा उनकी आंखों के सामने रहता है। अब ये क्रिएचर्स समुद्र की हजारों मीटर की ऐसी गहराई में रहते हैं जहाँ का प्रेशर ओशियन सरफेस से हजारों गुना ज्यादा होता है और टेम्परेचर हमेशा नेगेटिव में रहता है। ऊपर से सनलाइट का तो यहाँ पर नाम निशान तक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद समुद्र की इस गहराई में कई एलियन लाइक क्रिएचर्स की भरमार है जिन्होंने मिलियंस ऑफ इयर्स के एवोल्यूशन के दौरान इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को अडैप्ट कर लिया है। और सिर्फ अडैप्ट ही नहीं किया बल्कि इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए उन्हें एवोल्यूशन से कई ऐसे एडवांटेज भी मिले हैं जो काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि ये नेचुरल लॉज को भी तोड़ देता है। जैसे कि समुद्र के अंधेरे से भरी इस दुनिया में कई जीव 500 साल लंबी लाइफ जीते हैं, तो कुछ ने मौत को भी चकमा दे दिया है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समुद्र की क्रशिंग डेप्थ में रह रहे इन्हीं मिस्टीरियस क्रिएचर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों जरा एक बार इसे देखो, कितना सुंदर है ना। देखो मुझे पर्सनली समुद्र देखना काफी पसंद है, लेकिन वो कहते हैं ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। ये कहावत समुद्र पर भी बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जो समुद्र हमें ऊपर से पूरा शांत और सुंदर दिखाई देता है, उसमें आप जितने गहराई में जाते जाते हैं वो उतना ही ज्यादा डरावना और खतरनाक होता जाता है। जहाँ इसके कुछ हिस्से हमें लाइफ से भरे हुए देखने को मिलते हैं, तो समुद्र में कुछ 100 मीटर गहराई के बाद आप एक ऐसी जगह पर भी होते हैं जहाँ सनलाइट का नामो निशान नहीं होता। तापमान माइनस में होता है और पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर इंसानी शरीर यहाँ पर मौजूद हो तो वो कुछ ही मिली सेकेंड में पानी द्वारा क्रश कर दिया जाएगा। इन शॉर्ट, समुद्र में हर कुछ 100 मीटर के बाद हमें एक नया एनवायरनमेंट देखने को मिलता है जहाँ टेम्परेचर, प्रेशर एंड लाइफ के मायने सभी कुछ बदल जाते हैं। और इसीलिए वैज्ञानिकों द्वारा ओशियन की डेप्थ और वहां के एनवायरनमेंट के बेस पर ओशियन को 5 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है, द 5 ओशियन जोन्स। अब इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है एपिपेलैजिक। यह जोन जो ओशियन सरफेस से 200 मीटर की गहराई तक जाता है, जिसके कारण ओशियन सरफेस पर पड़ने वाली सनलाइट का काफी बड़ा हिस्सा समुद्र की इस गहराई तक पहुंचता है। इसीलिए इस गहराई तक आपको कई ऐसे पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे जो फोटोसिंथेसिस पर डिपेंडेंट रहती है, जैसे कि प्रोक्लोरोकोकस एंड फाइटोप्लैंकटन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समुद्र इन्हीं प्लांट्स के चलते अर्थ के एटमॉस्फेयर की 50% ऑक्सीजन को जनरेट करती है, एंड एज वी कैन गेस कि समुद्र के इसी हिस्से में 90% से ज्यादा मरीन लाइफ रहती है, जिनमें एक बहुत बड़ा नंबर डायरेक्टली इन समुद्री पेड़ पौधों पर अपने फूड के लिए डिपेंड करता है। पर दोस्तों अगर आप समुद्र में 200 मीटर से भी नीचे जाते हैं तब हालात तेजी से चेंज होने लगता है, क्योंकि अब हम समुद्र के उस हिस्से में एंटर कर चुके हैं जहां पर सनलाइट काफी कम पहुंचती है, जिसके कारण इसे ट्वाइलाइट जोन या मेसोपेलैजिक जोन कहा जाता है, जहां का टेम्परेचर क्लोज टू 4 डिग्रीज एंड प्रेशर 1470 PSI यानी कि 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाता है। अब समुद्र का ये हिस्सा 200 मीटर से 1000 मीटर तक की क्रशिंग डेप्थ पर फैला हुआ है, जहां काफी कम सनलाइट होने के कारण फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं होता, यानी कि यहां पर आपको सनलाइट पर डिपेंडेंट पेड़ पौधे देखने को ही नहीं मिलेंगे, बल्कि उसके बजाय यहां पर कार्निवोरस क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे जो एक दूसरे को खाकर जीते हैं। अब एग्जांपल के लिए कार्निवोरस स्पॉन्ज, जो पेड़ पौधों की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर है जो अपने आसपास मौजूद पानी से बैक्टीरिया एंड फाइटोप्लैंकटन जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाकर जिंदा रहता है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि एक्स्ट्रा इनकम करना किसे पसंद नहीं है। क्या आप तैयार हो ट्रेडिंग के एक एक्साइटिंग एडवेंचर के लिए? वेल, इंट्रोड्यूसिंग बाइनमो, द रिलायबल प्लेटफॉर्म ऑफरिंग फास्ट एंड प्रॉफिटेबल अर्निंग्स। बाइनमो से ट्रेडिंग का थ्रिल एक्सपीरियंस पाओ एंड अप टू 90% प्रॉफिट पर ट्रांजैक्शन पाओ। अपने लिमिट्स को टेस्ट करो और इंडिपेंडेंस पाओ बाइनमो के यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म के साथ। बाइनमो ज्वाइन करो और स्टार्ट करो एक डेमो अकाउंट के साथ केवल 15 सेकंड में। केवल 3 से 5 मिनट में खोलो रियल डील्स एंड स्टार्ट अर्निंग मनी। बाइनमो के 5 सेकंड यूनिक ट्रेडिंग मैकेनिक से क्विकली पैसे जीतो। अब देखो मैं ट्रेड करता हूँ 3 बार एंड यस इट्स सक्सेसफुल, और फिर से अगेन
ऑसम यार, पार्टिसिपेट करो टूर्नामेंट में थ्रू आउट द ईयर टू कम्पीट एट एडवांस यूजर स्टेटस। बाइनमो ऑफर करता है अनलिमिटेड डेमो अकाउंट, आसान ट्रेनिंग और प्राइजेस फॉर बिगिनर्स। तो तैयार हो जाओ अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, अपने रियल अकाउंट टॉप अप करो और शुरू करो ट्रेडिंग। बाइनमो के 24/7 अवेलेबिलिटी के साथ हैसल फ्री विथड्रॉ करो, शुरू करो अपना ट्रेडिंग एडवेंचर आज ही। डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करो, रजिस्टर करो और ज्वाइन करो द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग। नाउ बैक टू द टॉपिक। लेकिन अगर हम इससे भी ज्यादा गहराई में जाते हैं तो समुद्र की 1000 मीटर की गहराई से शुरुआत होती है बैथीपेलाजिक जोन की, जो ओशियन में 4000 मीटर तक जाता है, जहां का टेम्परेचर क्लोज टू 0 डिग्री और प्रेशर 100 से 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच रहता है। यानी इंसानों का यहां पर सर्वाइव करना तो इम्पॉसिबल है। अब इसे कई बार मिडनाइट जोन भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्र का ये हिस्सा हमेशा पूरी तरह अंधेरे में रहता है, जहां तक सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंच पाती। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपको समुद्र के इस हिस्से में भी कहीं पर कोई लाइट दिख रही है तो उसके पास जाने के बजाय जल्दी से उससे दूर भागिए, क्योंकि समुद्र के इस हिस्से में कुछ सबसे खतरनाक समुद्री जीव जैसे कि वैम्पायर स्क्विड एंड कोलोसल स्क्विड रहते हैं, और जिनमें से कोलोसल स्क्विड का साइज तो 10 से 14 मीटर यानी स्कूल बस के जितना बड़ा होता है, जिनके बारे में हम थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, ये भी समुद्र की गहराई का अंत नहीं है, क्योंकि इससे नीचे 4000 मीटर से 6000 मीटर के बीच के ओशियन को एबिसोपेलाजिक जोन कहा जाता है, जहां वाटर प्रेशर 200 से लेकर 600 एटीएम तक पहुंच जाता है। अब पृथ्वी के ज्यादातर समुद्र की गहराई यहां पर समाप्त हो जाती है, इसलिए 83% ओशियन फ्लोर यहीं तक होता है। एंड ऑफ कोर्स, जितनी गहराई की हम बात कर रहे हैं तो लाइट यहाँ भी नहीं पहुंचती है। वैसे सनलाइट का मामला तो 1000 मीटर तक ही खत्म हो जाता है, उसके बाद तो सनलाइट नीचे तक पानी में जाती ही नहीं है, चाहे वो कितनी भी डेप्थ क्यों ना हो। एंड मोस्ट शॉकिंग थिंग इज कि समुद्र में कई ऐसी जगहें भी हैं जहां पर समुद्र की गहराई 6000 मीटर से भी ज्यादा चली जाती है। तो देखो, समुद्रों में भी कई बड़ी बड़ी वी शेप ट्रेंच यानी कि खाई होती है, जो ओशियन फ्लोर से 2 गुनी कई बार तो उससे भी ज्यादा डेप्थ तक चली जाती है। अब समुद्र के इस हिस्से को हेडल जोन कहा जाता है, जो 6000 से ऑलमोस्ट 11000 मीटर तक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैरियाना ट्रेंच, जहाँ का वाटर प्रेशर 16000 PSI यानी कि 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक चला जाता है। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि समुद्र की हर एक जोन में, चाहे वहाँ का एनवायरनमेंट और प्रेशर कितना भी एक्सट्रीम क्यों ना हो, वहाँ भी कई ऐसे एनिमल्स हैं जिन्होंने कई मिलियन ईयर्स में इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया है, और यहाँ पर ओशियन की डार्कनेस डेप्थ में सर्वाइव करने में इनकी मदद करती है। मैरीन स्नो, जो इन क्रसिंग डेप्थ पर रहने वाले सी एनिमल्स का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, मरीन स्नो। तो देखो, समुद्र में एपिपेलाजिक जोन के बाद से ही सनलाइट इतनी कम हो जाती है कि वहां पर फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद समुद्र में रहने वाला हर जीव, चाहे वो समुद्र में कितनी भी गहराई में मौजूद क्यों ना हो, चाहे वहां सनलाइट पहुंचती हो या ना पहुंचती हो, वो फिर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सनलाइट की एनर्जी से ग्रो होने वाले पेड़ पौधों पर ही डिपेंड करता है। नहीं समझे? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। तो देखो, समुद्र में 200 से 400 मीटर की गहराई के बाद एक फिनोमेना होता है जिसे मरीन स्नो कहा जाता है। ये एक तरह की बारिश की तरह होता है, जिसमें एपिपेलाजिक जोन में फोटोसिंथेसिस से बनने वाले पेड़ पौधे समय के साथ साथ डिग्रेड होकर छोटे छोटे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पार्टिकल्स में टूटकर बिट्स में पानी के अंदर गहराई में डूबते रहते हैं। इस तरह पेड़ पौधे के ये एनर्जी से भरे फाइन पार्टिकल्स समुद्र की क्रशिंग डेप्थ तक भी पहुंच जाते हैं, जिसके कारण वहां भी कई तरह के एनिमल्स मौजूद होते हैं जो पूरी तरह मरीन स्नो पर या फिर इन्हें खाने वाले स्मॉल एनिमल्स पर अपने फूड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड करते हैं। मींस कि समुद्र के जिन हिस्सों में सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, वहां भी सनलाइट से पैदा होने वाले पेड़ पौधों के कारण लाइफ इवॉल्व करती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है वैम्पायर स्क्विड। अब दोस्तों, जरा इसे देखो। आई नो, काफी डरावना है, और इसकी डरावनी अपीयरेंस के कारण इसे इसका नाम वैम्पायर स्क्विड मिला है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में वैम्पायरोटियोथिस इन्फरनेल्स कहा जाता है। ये स्क्विड करीब 30 सेंटीमीटर लंबा एंड 0.9 किलोग्राम तक भारी हो सकता है, जो समुद्र की गहराई में बैथीपेलाजिक जोन में 100 से 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली 600 से 900 मीटर ओशियन डेप्थ में रहते हैं, जहां बिना किसी एडवांस सबमरीन के जाया नहीं जा सकता। वैसे सबमरीन लेकर आप इनकी तलाश के लिए जा तो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो सबमरीन ओशियन गेट की ना हो। खैर, मजाक से हटकर, ये वैम्पायर स्क्विड कई मिलियन सालों से समुद्र की हजारों मीटर की गहराई में बिना किसी सनलाइट के इवॉल्व
शार्क हुए। और देखो भले ही ये दिखने में काफी ज्यादा डरावने लगते हो, पर इसकी इस डरावनी अपीयरेंस से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने नाम से उलट ये वैम्पायर स्क्विड ऑलमोस्ट शाकाहारी है। क्योंकि दोस्तों इनका प्राइमरी फूड मरीन स्नो ही है, जो ये लगातार ओशन डेप्थ में रहकर अपने दो लॉन्ग स्टिकी फिलामेंट से कलेक्ट करके कंज्यूम करते रहते हैं। वैसे लगता ही नहीं है कि इतने बड़े क्रिएचर के लिए इतनी कम मात्रा में गिरने वाली मरीन स्नो इनफ होती होगी, पर इसके इतना बड़ा आकार होने के पीछे का कारण ही इसका एक्सट्रीमली स्लो मेटाबॉलिज्म है, जिसके कारण ये काफी ज्यादा कम कैलोरी बर्न करता है और ये काफी कम फूड में भी काफी लंबे समय तक रह पाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना बड़ा आकार होने के बावजूद भी ये समुद्र में रहने वाला सबसे बड़ा स्क्विड नहीं है, बल्कि ये खिताब जाता है कोलोसल स्क्विड को, जिन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में मेसोनिकोट्यूथिस हैमिल्टोनी कहा जाता है। अंटार्कटिका के कोल्ड डीप सी में रहने वाले ये कोलोसल स्क्विड साइज में 14 से 15 मीटर्स जितना, यानी कि एक स्कूल बस के जितना बड़े होते हैं, लेकिन इनका वेट 500 से 700 किलो तक जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि ये स्क्विड्स वैम्पायर स्क्विड से भी दोगुनी डेप्थ पर, यानी कि ऑलमोस्ट 2000 मीटर्स की क्रशिंग डेप्थ में भी रहती है। वैसे अगर कभी ये आपको दिखे तो इसके ज्यादा करीब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वेजिटेरियन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये समुद्र में रहने वाली छोटी और बड़ी मछलियों को और कई बार तो अपने छोटे छोटे स्क्विड्स भाइयों को खा जाते हैं। वैसे इनका भी इतने बड़े साइज का होने का कारण एक्सट्रीमली स्लो मेटाबॉलिज्म है, जिसके कारण ये काफी सुस्त रहता है। मतलब ये शिकार करने के लिए ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करता, बल्कि अपने पास आने वाले शिकार को ही खाता है। इसके अलावा ये समुद्र में दूसरी जगहों पर फूड के लिए ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करता। अब दोस्तों एक स्टडी के मुताबिक कोलोसल स्क्विड का मेटाबॉलिज्म रेट इतना कम होता है कि ये एक दिन में केवल 45 कैलोरीज ही बर्न करते हैं, यानी 500 से 700 किलो के इस स्क्विड को एक दिन में केवल 0.03 किलोग्राम फूड ही चाहिए होता है। इन शॉर्ट एक सिंगल 100 किलोग्राम के टूथफिश से मिलने वाली टोटल कैलोरीज से ये 200 दिनों तक बिना खाए रह सकते हैं। वैसे दोस्तों हम अभी भी कोलोसल स्क्विड के एक सबसे यूनिक फीचर के बारे में बात करना भूल गए, और वो है उनकी आंखें। क्योंकि इनकी आंखें करीब 27 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, यानी ऑलमोस्ट इंसानी सिर जितना, एंड वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ये अभी तक डिस्कवर किए गए एनिमल्स में दुनिया की सबसे बड़ी एनिमल आई है। पर इन आंखों का ये ज्यादा प्रयोग शिकार करने के बजाय अपने शिकारी से बचने के लिए करते हैं। नाउ आई नो कि काफी हैरान कर देने वाली बात है कि इतने बड़े जानवर को भी अपने शिकार हो जाने का डर बना रहता है। जी हाँ बिल्कुल, वैसे इतने बड़े स्क्विड का शिकार करने वाले सी एनिमल्स की संख्या काफी कम है, पर ब्लू व्हेल उनमें से एक है जो इन 10 से 15 मीटर्स बड़े स्क्विड का शिकार करने से भी नहीं कतराती। द ग्रीन लैंड शार्क। दोस्तों 7 मीटर्स लंबी और 1400 किलोग्राम भारी ग्रीन लैंड शार्क समुद्र में तैरने वाली सबसे बड़ी फिश है, जो आपको पृथ्वी के सबसे ठंडे अंटार्कटिका के समुद्र में 2000 मीटर की क्रशिंग डेप्थ गहराई पर देखने को मिलेंगे। अब ग्रीन लैंड शार्क इकलौती ऐसी शार्क स्पीसीज है जो अंटार्कटिका के कम टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकती है। अब वैज्ञानिकों की माने तो ऑलमोस्ट 7 मीटर्स लंबी इस ग्रीन लैंड शार्क के इस जाइगेंटिज्म के पीछे अंटार्कटिका का एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर और वेदर है, जिसके चलते हजारों लाखों सालों के एवोल्यूशन ने इस शार्क का मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा कम कर दिया है कि ये अब इतनी बड़ी हो चुकी है, और सिर्फ बड़ी ही नहीं बल्कि इसके चलते इनकी एज भी काफी लंबी होती है। एग्जाम्पल के लिए ग्रीनलैंड शार्क 250 से लेकर 500 सालों तक भी जिंदा रह सकती है। अब दोस्तों जरा इमेजिन करिए, आज से 500 साल पहले की दुनिया में जहाँ टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट ना के बराबर थी, इंसानों के लिए पृथ्वी ही पूरी दुनिया थी और चांद पर जाना इंसानों के सोच में भी नहीं था। उस समय पृथ्वी पर अंटार्कटिका में किसी ग्रीनलैंड शार्क का जन्म हुआ होगा, जिसके लाइफ स्पैन के दौरान ही इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली। चांद तो क्या, अब हम दूसरे प्लैनेट तक पहुंच चुके हैं और अब हम पूरे ब्रह्मांड को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। द बैरल आई फिश। दोस्तों ये फिश ट्वाइलाइट जोन में पाई जाने वाली मेरी फेवरेट फिश है, क्योंकि अगर इस तरह की आंखें मेरे पास भी होती तो शायद मैं भी पानी में बिना ग्लासेस के तैर पाता, क्योंकि इस फिश के पास शायद ओशियन एनिमल्स में सबसे काम की आंख है। एक्चुअली देखो इसके पास दो आंखें जो इसके ट्रांसपेरेंट सिर के अंदर ऊपर की ओर मौजूद है, जिनकी मदद से ये हमेशा अपने ऊपर होने वाली हर एक एक्टिविटी पर नजर रखती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपकी दो आंखें आपके सिर के ऊपरी हिस्से में मौजूद होती, जो हमेशा आसमान की ओर देखा करती, या फिर शायद हमेशा नहीं, क्योंकि रिसेंटली वैज्ञानिकों के रिसर्च में ये भी सामने आया कि अगर ये फिश चाहे तो अपनी आंखों को शिकार के दौरान आगे 75 डिग्री आर्क तक मूव भी कर सकती है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि
जिनकी आंखें सिर के अंदर मौजूद है तो शायद उनका विजन इतना अच्छा नहीं होगा, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग इनका कई सी एनिमल्स में कुछ सबसे बेहतरीन विजन है, क्योंकि अपनी आंखों की मदद से ये पानी की गहराई तक को नाप लेते हैं और ये जान लेते हैं कि ये कितनी गहराई पर तैर रही है या फिर इनसे कोई शिकारी या फिर इनका शिकार कितने दूरी पर मौजूद है। द एंग्लर फिश। दोस्तों, समुद्र में 300 से 600 मीटर के ऑलमोस्ट 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पूरी तरह अंधेरे से भरे मिडनाइट जोन में रहने वाली ये मछली आपको समुद्र की इन अंधेरी गहराइयों में भी आसानी से देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इनके सिर के ऊपर इनका खुद का एक बायोल्यूमिनेसेंट लाइट सोर्स मौजूद रहता है, जो इनके सिर के ऊपर एक एंटीना की तरह लटका होता है, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को अट्रैक्ट भी करती है और इनकी लाइट से इन्हें शिकार करने में भी मदद मिलता है। वैसे दिखने में ये काफी ज्यादा डरावनी लगती है। द ट्राइपॉड फिश। दोस्तों, मिडनाइट यानी कि एबाइसल ज़ोन्स में 900 से 4700 मीटर की गहराई में रहने वाली ट्राइपॉड फिश रिलेटिवली काफी स्मॉल होती है, जिनके तीन लंबे फिन्स निकले होते हैं, जिनकी टिप्स को रेज या एलिमेंट्स कहा जाता है, और इन्हीं के ऊपर बैलेंस बनाकर ये समुद्र की तली में टिकी रहती है और अपने आसपास से गुजरने वाले स्मॉल सी क्रिएचर्स का शिकार करती रहती है, जिसके लिए इनके फिन्स में स्पाइनल नर्व का एक बहुत बड़ा सिस्टम फैला होता है, जिसके कारण उनके आसपास होने वाली छोटी से छोटी एक्टिविटी या फिर उनके पास से टकराने वाले छोटे से छोटे सी क्रिएचर्स के बारे में उन्हें आसानी से पता चल जाता है और फिर ये उसे खा जाती है। अब ये कुछ इस तरह बैलेंस बनाकर रहती है और एक छोटे से ट्राइपॉड की तरह सी फ्लोर पर रहती है और बिना किसी मौसम के इंतजार करती रहती है कि कोई भी सी एनिमल इनसे आकर टकराए जिसे ये आसानी से खा सके। अब दोस्तों, आखिर में हम बात करेंगे एक ऐसी जेलीफिश के बारे में जो नेचुरली कभी मरती ही नहीं है, द इमॉर्टल जेलीफिश। डेथ। इंसानों ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन डेथ आज भी इंसानों के लिए एक ऐसी रियलिटी है जिसे कोई भी टाल नहीं पाया है। पर क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अर्थ पर रहने वाले ही एक जीव ने लाइफ की इस रियलिटी को ब्रेक करके इमोर्टैलिटी को हासिल कर लिया है? वेल जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्यूरिटॉप्सिस डॉर्नी जेलीफिश की, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जेलीफिश को एवोल्यूशन ने एक ऐसा गिफ्ट दिया है जिसके कारण इस जेलीफिश ने नेचुरल डेथ की साइकिल ही ब्रेक कर दिया है, जिसमें हम इंसान अभी तक फंसे हुए हैं। क्योंकि सेल्यूलर ट्रांस डिफरेंशिएशन नाम के जेनेटिक प्रोसेस के कारण जब भी इन जेलीफिश का शरीर समय के साथ साथ कमजोर होता रहता है ना, या इनकी डेथ होने वाली होती है, तभी इनमें रीबर्थ की एक नई साइकिल शुरू हो जाती है और इसी तरह से ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है और ये कभी भी मरती ही नहीं है जब तक कि इन्हें कोई फिजिकली डिस्ट्रॉय ना कर दे। अगर इसे इंसानों से कंपेयर करो तो ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे 40 की उम्र में पहुंचने के बाद आप दोबारा से अपनी एज को रिवर्स करके लाइफ को शुरू कर ले। नाउ आई नो कि ये काफी क्रेजी है, पर दोस्तों अब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर वैज्ञानिक इस जेलीफिश को स्टडी करके जीनोम एडिटिंग करते हुए इसे ह्यूमन में रेप्लिकेट कर पाए तो क्या आप भी जेलीफिश की तरह इमोर्टल बनना चाहोगे? वैसे देखो, मैं तो नहीं चाहूंगा, आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समुद्र के बारे में आज के इस वीडियो से काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए वीडियोस बनाने में। जाने से पहले आप इस वीडियो को भी देख सकते हो जहां हमने बात की है कि पैसिफिक ओशियन आखिर इतना ज्यादा खाली क्यों है। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।